फाइनली हम आ गए हैं अपने होम टूर की वीडियो लेके फाइनली तो स्वागत है आप लोगों का 917 में। हाँ जी। और बहुत टाइम से चीज़ पेंडिंग पड़ी थी, हम सोच रहे थे कि घर को पूरा करेंगे, अच्छे से सजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे, बट नहीं, वो हो नहीं पा रहा। अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा हमें और सामान भी नहीं मिल पा रहा। हाँ। तो हमने कहा कि वो सब होता रहेगा, वो लोग सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो भी हम नया काम करेंगे। तब तक के लिए हम आपको दिखाते हैं जो अभी हमारा घर फिलहाल है। आइए। घर में एंटर करते ही सबसे पहले आता है ये वॉशरूम, जिसको यहाँ पे बोला जाता है पाउडर रूम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है और इस फ्लोर पे सिर्फ एक यही वॉशरूम है, बाकी सारे वॉशरूम्स ऊपर होते हैं मेन फ्लोर पे, क्योंकि बेडरूम्स के साथ और घर में जब भी कोई गेस्ट वगैरह आता है उनके लिए ये होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो और इसमें अब जैसे देख ही रहे हैं, हमने लगा रखा है ये जेट, जो कि भाई हम देसियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हमारा वॉकिंग क्लोसेट एंटर करते ही जहाँ पे हम रखते हैं अपने जैकेट्स और जूते, क्योंकि घर की सफाई खुद ही करनी पड़ती है, इसलिए जूते वगैरह कुछ अंदर ही लेके जाते हैं हम लोग। और ये हमारे गैराज की एंट्री, जो कि बहुत काम आती है स्पेशली सर्दियों में, जब गाड़ी लेके आए, सर्दियों में बर्फ बर्फ पड़ रही होती है, गाड़ी सीधा अंदर लाए, यहीं उतरे, यहीं से अंदर, बर्फ में जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये है हमारा फॉर्मल लिविंग रूम, जो हम कम ही यूज करते हैं, जो एक फॉर्मेलिटी है, ऐवे सजा रखा है बस। एक्चुअली ये हमारा डाइनिंग एरिया है, मगर हम इसे बड़ा रफ यूज करते हैं, जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, हम यही खा भी लेते हैं, टीवी देखते हैं, लेट भी जाते हैं और बस ऐसे ही चलता है। फैमिली रूम जहाँ पे बैठ के सारी फैमिली गपशप मारती है, या वहाँ लगेगा एक टीवी जो अभी तक लगा नहीं हुआ है, टीवी देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यहीं पे आराम करेंगे, धूप सेकेंगे, सब कुछ यही होगा। धूप बढ़िया आती है हमारी। उसके बाद चलो हम चलते हैं मेन एरिया में, चलो जो भी हमारा मेन एरिया, खाली नहीं गानी मेन एरिया। सो जी, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, ये हमने नया घर लिया था तो इसमें अप्लायंसेस वगैरह कुछ साथ नहीं आते, सिर्फ ये माइक्रोवेव भी साथ आया था, बाकी ये कुकिंग रेंज हो गया, फ्रिज हो गया और हमारे घर का ये डिशवॉशर हो गया, ये हमने खुद खरीदा था अपनी चॉइस से। बाकी फ्रिज के लिए सनी ने बहुत वो मशक्कत की थी, इसको ये बहुत कुछ चाहिए था, पानी वाला चाहिए था, ऊंचा चाहिए था, चार डोर चाहिए था, स्मार्ट चाहिए था। बेसिकली मुझे एक स्पेसिफिक फ्रिज चाहिए था जो कि था थोड़ा ऊंचा, बट ये घर पहले से ही बना बनाया था तो हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते थे, तो इसकी जो हाइट है ऊपर कबर्ड की ये फिक्स थी और यहाँ पे वाला फ्रिज फिट नहीं हो रहा था, तो मजबूरी मेरे को फिर दूसरे फ्रिज के साथ सेटल करना पड़ा। और ये घर खरीदा था हमने ऑलमोस्ट 2 साल पहले, ये घर हमें पड़ा था 6.5 लाख का,
आज अगर यही सेम मॉडल खरीदने जाए तो इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 8.5 लाख के आसपास। और इसके अलावा घर के मेंटेनेंस के खर्चे, घर चलाने के खर्चे, ग्रोसरी के खर्चे, इस घर का लोन हमें कितना पड़ा था और इसकी मॉर्गेज के हिसाब से जाती है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये सारी चीजें कवर करनी एक वीडियो में बड़ी मुश्किल है, इसलिए हमने सोचा इसको एक सीरीज की तरह बनाएं जिसमें ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैसे इंडियन घरों में और यहाँ के घरों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। इस सीरीज की टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको अपडेट मिलती रहेगी और हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। तो जी ये था हमारा मेन फ्लोर, अब चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पे हमारे सारे बेडरूम्स, वॉशरूम्स। और जाने से पहले एक आपको ये बताना चाहेंगे इस खिड़की के बारे में, उसके पर्दों के बारे में, सारे पर्दे इनफैक्ट एक्चुअली हम लास्ट टाइम जब इंडिया गए थे तो पर्दे ये सारे इंडिया से बनवा के लाए थे, क्योंकि यहाँ पे इस साइज के पर्दे मिलना थोड़ा मुश्किल है और ऊपर से यहाँ पे पर्दे बनवाना बहुत महंगा पड़ता है, तो एंड में फिर इंडिया ही काम आता है। तो जी ऊपर आते ही सबसे पहले आता है हमारा ये गेस्ट रूम, दिस इज आवर गेस्ट रूम, जिसका फर्नीचर खरीदना अभी बाकी है हमारा। जैसे जैसे सैलरी आती है एक एक फर्नीचर का पीस आता है। सो ये पड़ा है, इसके बारे में नहीं आई है, पड़ा हुआ है अभी, इससे पहले और बहुत चीजें हैं, पहले वो चीज आ जाए उसके बाद फिर यहाँ पे बैठकर जुगाड़ करेंगे, तब तक के लिए यही। जी ये है हमारे घर का छोटा सा लिनन क्लोजेट, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग, टॉवल्स वगैरह सब हम स्टोर करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं माता जी के कमरे पे। हेलो मम्मी, याद है? देखी और पूछ कुछ। सो ये है हमारे माता जी का कमरा, ये मेरा कमरा है, मेरा कमरा बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले इन लोगों ने मेरा रूम सेट किया था कि मम्मी को दिक्कत ना हो, बेड वगैरह, गद्दे वगैरह, टेबल लैंप और ये, और सबसे बड़ी चीज ये कहीं यही यहाँ अलाउड नहीं होता, मेन फ्लोर पे कहते टीवी रखना बेडरूम में स्पेशली, और पर माता जी के लिए हमने स्पेशली यहाँ पे एडजस्ट किया ये। और एक और बात बताती हूँ मम्मी, ये पर्दे स्पेशली इंडिया से लेके आई है अपने बेडरूम से, वहां से मुझे घर वाली इंडिया चाहिए थी, इसलिए मैं इंडिया वाले पर्दे अपने साथ लेके आई हूँ ताकि मुझे मेरा घर अपना अपना लगे। वो ऐसा नहीं है कि टीवी यहाँ पे रखना अलाउड नहीं है, वो बेसिकली लोग जो है सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के देखे नीचे। और अगर ऊपर यहाँ लाके खाओ और कारपेट वगैरह पे खाना गिर जाए तो बग्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो दीमक या अलग जो किस्म के बेड बग्स होते हैं वो लग जाते हैं। बिल्कुल भी खाना नहीं लेके आते, खाने का सारा नीचे मेन फ्लोर पे। यस यस यस, कोई बेड एंड ब्रेकफास्ट कुछ नहीं मिलता। चलिए अब जरा वीआईपी रूम की तरफ आ जाइए ना। ये वीआईपी गेस्ट रूम है हमारा, ये यानी लॉन्डो वाला रंग, यानी कि मेरा कमरा और ये इतना साफ इसलिए लग रहा है जी क्योंकि ये स्पेशल किया गया है वीडियो के लिए मम्मी ने। तो किसी चीज को ये हाथ नहीं लगाने देता, घुसने नहीं देता। ओ तेरी मम्मी, जहाँ मौका मिले कंप्लेन कर देती है। चलो यार आ जाओ आ जाओ। तो ये हमारी है सबसे आखिरी कमरे की जो कि है मास्टर बेडरूम। और जी फाइनली ये है हमारा मास्टर बेडरूम जिसमें हमने कम से कम सामान रखा है फिलहाल, एक बेड और दो साइड टेबल्स, बाकी इसको अभी डेकोरेट करना बाकी है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह प्रिंट करके लगाऊं इस वॉल पे, यहाँ पे एक काउच वगैरह रखा जाए और यहाँ पे शैंडलियर। मैडम को चाहिए यहाँ पे शैंडलियर, पर मुझे चाहिए यहाँ पे पंखा, जो कि मैडम नहीं मानेंगे कभी भी। क्यों यार, पंखे वाली लाइट भी तो आती है जिसमें पंखा भी होता है लाइट, पर वो शैंडलियर वाली फील नहीं देता ना माता, इसलिए चलो वो तो खैर बात की बात है, जब करेंगे डिसाइड तब करेंगे। बाकी हमारे घर की बाकी
बाकी जो इस रूम का सबसे प्लस पॉइंट है जो बढ़िया, ये सामने खुला पार्क का खूबसूरत नजारा जो मैं भी कभी कभी यहाँ आके खड़े होकर देखती हूँ, क्योंकि आजकल ज्यादातर घर के अंदर बंद रहना पड़ता है ठंड के मारे, बर्फ के मारे, तो जब मुझे खुला कुछ चाहिए होता है तो मैं यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ और देख लेती हूँ। इसीलिए यहाँ कुर्सियां वगैरह या कवर रखा जाएगा, है ना मम्मी, ताकि आराम से बैठ के देखा जाए। ऐसी मम्मी का फेवरेट टाइम पास लोगों के घर देखने आ गए कि इसकी जो है गार्डनिंग कितनी बढ़िया है, जितने भी दूर है बात गुजारेगी सारी। ये है हमारा छोटा सा मास्टर बेडरूम का वॉक इन क्लोजेट। इसके बाद हम चलते हैं हमारे घर के मास्टर बाथरूम में। हाँ जी मैडम। हाँ जी, पहुंच गया बाथरूम। हाँ जी। सो ये हमारे मास्टर बाथरूम में दो चीजें हैं, ये बाथटब और स्टैंडिंग शावर। ये घर के मॉडल्स पे डिपेंड करता है, कई घरों में होता है या स्टैंडिंग शावर होता है या फिर बाथटब होता है, बट हमारे यहाँ पे दोनों ही है। और यहाँ भी एक अच्छी बात, फेवरेट चीज है वो है, okay, दो अलग अलग वॉश बेसिन, इसका अलग मेरा अलग, सुबह सुबह लड़ाई नहीं होती कुल में। मुश्किल है, इसलिए हमने सोचा कि 5-7 वीडियोस में इसको एक सीरीज की तरह कवर कर दिया जाए। सो जिसमें हम सब कुछ ये डिटेल्स आपको बताएंगे, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैसे नहीं भूलेगा सर, शुरू हो जाए। और जी ये हमारा वॉक इन क्लोजेट, एंट्री करते ही जहाँ पे हम उतार के रखते हैं अपनी सारी जैकेट और जूते, और जैसे आप देख रहे होंगे कि जूते कैसे रखे हों, नहीं जूते, और इन एपिसोड सीरीज, इन सीरीज और इन एपिसोड क्या, और यहाँ पे एक शॉवर है, नहीं बोल रहे हैं इसका अलग मेरा अलग, सुबह सुबह लड़ाई नहीं होती कुल में, सब बढ़िया। वही पीछे खड़ा हो जा लिनन क्लोजेट के, खोल के उसको। रेडी हो जा। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी आ जाओ। सो जी ये है हमारे घर का छोटा सा लिनन क्लोजेट, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग टॉवल्स वगैरह सब हम स्टोर करते हैं। और जी ये हमारे घर का बेसमेंट जो कि एक तरीके का पावर हाउस है, ये ना हो तो घर चलना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बट इस ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और बेल आइकन प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।